14 जनवरी 2024 के बाद क्या सब कुछ बदल जाएगा? 14 जनवरी 2024 के बाद क्या बदल जाएगा भारत का नक्शा? 14 जनवरी 2024 के बाद क्या पीओके भारत में मिल जाएगा? 14 जनवरी 2024 के बाद क्या भारत बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? क्या कहती है जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। 500 सालों का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। 500 सालों के संघर्ष को अब जाकर विराम लगा है और 500 सालों की तपस्या का फल अब जाकर हम सबको मिला है। सत्ताधारी मोदी सरकार को देखिए, अब तक विपक्ष पार्टियां इस बात से चिढ़ाती आई हैं कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब जो कि राम मंदिर उद्घाटन की तारीख निकाली जा चुकी है, दुनिया भर के राम भक्तों को न्योता भी भेजा जा चुका है और तो और देखिए, रामलला की पुनः प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाकायदा भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा भी खींची जा चुकी है। और ऐसे में क्या राम राज्य का दौर वापस आ जाएगा? क्या राम मंदिर अखंड भारत की नींव रखेगा? और क्या रामलला की गर्भगृह से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का सपना पूर्ण होगा? आज देखिए, ये सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं उनका 75वां जन्मोत्सव स्वयं रामलला मनाएंगे। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट की पावन धरा से आने वाले जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की, जिनका जन्मोत्सव अमृत महोत्सव के रूप में इस बार अयोध्या में मनाया जाएगा। संत समाज से आने वाली ये एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं। आपको हमेशा बताते हैं कि 22 भाषाओं के ये जानकार हैं, 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचयिता हैं। बतौर कथावाचक ना सिर्फ लोगों को आध्यात्मिक की दुनिया से आज भी जोड़ रहे हैं बल्कि दिव्यांग विश्वविद्यालय का भी संचालन यही करते हैं। आज के डेट में देखिए, लाखों की संख्या में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य के बहुत से फॉलोअर्स हैं। अपना इन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित किया है। नेत्रों से ये देख नहीं सकते हैं लेकिन मन की आंखों से भविष्य में होने वाली घटनाओं को ये हमेशा समय से पहले भाप लेते हैं और शायद यही वजह है कि समाज में बड़े ही आदर के साथ आज भी इनका नाम लिया जाता है। राम मंदिर की लड़ाई में इनकी भूमिका को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है क्योंकि देखिए, इन्हीं की गवाही से राम मंदिर की राह आसान हुई थी। इनकी भविष्यवाणी की सत्यता का दौर अब तक जारी है। राम मंदिर निर्माण से लेकर मोदी जी के पुनः प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी सत्य हुई। अब देखिए, अगले साल यानी कि 2024 में अपना 75वां जन्मदिन ये मनाएंगे और तो वहीं इस बीच अयोध्या में 16 से लेकर 22 जनवरी तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित तमाम अनुष्ठान भी होंगे और शायद जिसे देखते हुए अनुयायियों ने 14 जनवरी को अमृत महोत्सव के रूप में जगत गुरु जी का जन्मदिवस बनाने का फैसला किया है। इस खास मौके पर 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ किया जाएगा जिसमें स्वयं जगत गुरु आहुति डालेंगे और इसी यज्ञ के बाद से देश में एक बड़ा परिवर्तन होगा। आप कहेंगे कैसा परिवर्तन? तो आपको हम बता दें कि अखंड भारत पीओके की वापसी और भारत के पुनः सोने का शेर बनने की भविष्यवाणी जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य कर चुके हैं और इन्हीं भविष्यवाणियों पर सत्यता की मुहर इसी यज्ञ में लगेगी। दरअसल 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ को लेकर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य का ये कहना है, मेरा अमृत महोत्सव रामलला ही मना रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर भारत को मिल जाए इसी यज्ञ से यही कामना है। विश्व गुरु बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता। अब भारत सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का शेर बनेगा, इसकी दहाड़ पूरा विश्व सुनेगा। तो पीओके की घर वापसी, अखंड भारत का निर्माण और भारत का पुनः सोने का शेर बनना, जी हां, इन्हीं कामनाओं के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य इस महायज्ञ में शामिल होंगे। इस महायज्ञ में वो आहुति डालेंगे। अब देखिए, यहां गौर करने वाली बात ये है कि जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जैसे दिव्य शख्सियत जिनकी भविष्यवाणियों को झुठलाया बिल्कुल नहीं जा सकता है, उनका देश हित से जुड़ी कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करवाना व्यर्थ तो जाएगा नहीं। और जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 14 जनवरी के बाद से भारत का नक्शा बदल सकता है, यानी कि अखंड भारत के रूप में दुनिया को देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो देखिए, भारत का अतीत ऐतिहासिक तारीखों से भरा पड़ा है। आपको याद होगा कि 9 नवंबर 2019 को कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ही राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 25 मार्च 2020 को रामलला अस्थायी रूप से मंदिर में विराजे। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। फिर 20 अगस्त 2020 से मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हुआ। 1 जून 2022 को गर्भगृह की शिलान्यास हुई और अब 22 जनवरी 2024 को
रामलला की भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले यानी कि 14 जनवरी से भारत बिल्कुल बदल जाएगा, भारत का नक्शा बदल जाएगा। बहरहाल बीते दिनों चित्रकूट पधारे पीएम मोदी से जब जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य की भेंट हुई, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था सुनिए। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित पूजनीय जगतगुरु श्री राम भद्राचार्य जी यहाँ पधारे हुए, सभी तपस्वी वरिष्ठ संतगण, ऋषिगण, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं चित्रकूट की परम पावन भूमि को पुनः प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है आज पूरे दिन मुझे अलग अलग मंदिरों में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिला और संतों का आशीर्वाद भी मिला है। विशेषकर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जो स्नेह मुझे मिलता है वो अभिभूत कर देता है। सभी श्रद्धेय संतगण, मुझे खुशी है कि आज इस पवित्र स्थान पर मुझे जगतगुरु जी की पुस्तकों के विमोचन का अवसर भी मिला है। अष्टाध्यायी भाष्य रामानंदाचार्य चरितम और भगवान कृष्ण की राष्ट्रलीला, ये सभी ग्रंथ भारत की महान ज्ञान परंपरा को और समृद्ध करेंगे। मैं इन पुस्तकों को जगतगुरु जी के आशीर्वाद का एक और स्वरूप मानता हूं। आप सभी को मैं इन पुस्तकों के विमोचन पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, अष्टाध्यायी भारत के भाषा विज्ञान का, भारत की बौद्धिकता का और हमारी शोध संस्कृति का हजारों साल पुराना ग्रंथ है। कैसे एक एक सूत्र में व्यापक व्याकरण को समेटा जा सकता है, कैसे भाषा को संस्कृत विज्ञान में बदला जा सकता है, महर्षि पाणिनि की हजारों वर्ष पुरानी रचना इसका प्रमाण है। आप देखेंगे दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, नई भाषाओं ने पुरानी भाषाओं की जगह ले ली, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है।